हेलो फ्रेंड्स, आईएएस फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, एमपी जीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 18 दिसंबर 2016 का पेपर है। तो अभी जो ये जो पेपर है उस टाइम में हुआ था, इसलिए उस टाइम के करंट अफेयर इसमें दिए हुए हैं। तो जो अभी इस साल का पेपर होना 2018 का, तो वो हमारे 2018 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, उनने पूछा था US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस का खिताब किनने जीता था। तो उस 2016 में तो स्टैन वावरिंका ने जीता था। यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं। तो इस साल 2018 में भी हुआ नहीं है, ये हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 2018 का US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किनने जीता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आते हैं वो ये, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के दो खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जबलपुर में है, हमें पता है। और जो उसके खंडपीठ होते हैं, खंडपीठ का मतलब ये होता है कि एक्चुअल ब्रांच जबलपुर में है हाई कोर्ट, लेकिन वहाँ पे भी सुनवाई हो सकती है। खंडपीठ मतलब उसके दो सब पार्ट, मतलब वहाँ पे छोटी छोटी बेंच लगा के वहाँ पे केसों का निपटारा किया जाता है। क्योंकि हर कोई इंसान जबलपुर तो जा नहीं सकता, जबलपुर काफ़ी दूर है। तो जैसे कोई इंदौर वाला है, इंदौर के आसपास के लोग हैं, तो उनके लिए एक क्या है, दो खंडपीठ अलग से बना दी गई है ताकि उनके लिए आसानी हो। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। तो भोपाल इंदौर, क्योंकि भोपाल में खंडपीठ नहीं है, इंदौर में, ये गलत। जबलपुर में तो हाई कोर्ट है, खंडपीठ नहीं, ये भी क्वेश्चंस गलत। और सही ऑप्शंस जो है ये भी नहीं है, जबलपुर में नहीं है, ग्वालियर में है। और सही ऑप्शन जो होगा ग्वालियर इंदौर। देखिए, ग्वालियर इंदौर में खंडपीठ है हमारी, और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का मुख्यालय मध्य प्रदेश की, वो है हमारा जबलपुर में। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो जो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है, टोटल हमारे एमपी में 10 है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्राइस मनी गिवन एकलव अवार्ड। देखिए, एकलव अवार्ड जो होता है उसमें कितनी प्राइस मनी दी जाती है। तो ये उन्होंने क्वेश्चंस पूछा। तो देखिए, 25, 50, 75, 1 लाख में सही ऑप्शन सब होगा हमारा, 50,000 दी जाती है राशि। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं हम लोग, करंट जनरल नॉलेज के एमपी के। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म रिसीव एन अवार्ड फॉर लोनली प्लानेट ग्रुप इन 2016। निम्नलिखित में से किस कारण के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन को लोनली प्लेनेट समूह की ओर से 2016 में पुरस्कार दिया गया। देखिए, 2016 में जो लोनली ग्रुप की तरफ से जो पुरस्कार दिया गया, तो वो हमें दिया, एमपी को दिया गया था। वो सही ऑप्शन है वन जीवों के संरक्षण के लिए। देखिए, स्मारकों की बहाली के लिए, मतलब मॉन्यूमेंट बोलते हैं जिन्हें, टूरिज्म की फैसिलिटी में सुधार के लिए, और कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सही ऑप्शंस जो है, हमें जो अवार्ड मिला था उसका, वो था वन्य जीव संरक्षण के लिए। इसमें एमपी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम की थी, तो इसलिए ये अवार्ड दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो होता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। और यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा है वो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस वो मनाया जाता है हमारा 15 अक्टूबर को। तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप, 16, 17, 18 में सही ऑप्शन 15 अक्टूबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको भारतीय दिवाला संशोधन अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, इसको चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का किसे नियुक्त किया गया चेयरमैन। तो देखिए, सुनील लामा, सुशील चंद्रा, MS साहू और अतुल सोपती में MS साहू। ये 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिजियोग्राफिक रीजन्स डज द सिटी ऑफ मंदसौर कम इन। देखिए, मध्य प्रदेश किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो देखिए, बुंदेलखंड, मालवा, बेनगंगा, सतपुड़ा में सही ऑप्शन मालवा। मंदसौर जिला जो होता है वो मालवा प्लेटू में आता है, मालवा जो हमारा रीजन है उसमें आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। देखिए, इन्होंने को जो क्वेश्चन पूछा है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। इसी वर्ष प्रारंभ हुए ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण में, मतलब 2016 के स्वच्छ सर्वेक्षण में, समतल भूमि की श्रेणी में निम्नलिखित में से
किसे सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है? तो सही ऑप्शंस जो है हमारा सतारा, मंडी, सिंधु दुर्ग और मालदा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है सिंधु दुर्ग, ये सही ऑप्शन है सिंधु दुर्ग। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते, ब्रिक्स 2016 का जो समिट हुआ था, देखिए ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ, जब ब्रिक्स का यहाँ समिट हो रहा था, गोवा में हुआ था लास्ट टाइम हमारे यहाँ ब्रिक्स का समिट इंडिया में, तो 2016 में जो खजुराहो में एक मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, तो वो किस चीज़ के लिए मीटिंग हुई थी, इन्होंने वो पूछा है कि चर्चा का विषय क्या था, किस चीज़ के लिए हुआ था। तो देखिए खजुराहो जो वैसे ही हमारे यहाँ पर्यटन के लिए फेमस है, तो ऑब्वियसली जो मीटिंग हुई होगी वो इसी से रिलेटेड। तो देखिए जो ऑप्शन है एंटी टेरर मेजर, आतंकरोधी उपाय के लिए, आपदा जोखिम, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ट्रेड व्यापार के लिए, तो सही ऑप्शन जो हमारा टूरिज्म हो जाएगा, पर्यटन के लिए मीटिंग हुई थी। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो देखिए सॉरी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। स्टेट देखिए पॉपुलेशन के टर्म में इन्होंने पूछा जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश कौन से स्थान में आता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, तो सही ऑप्शन छठवा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम, जो बाघ केव है वो कहाँ स्थित है, इन्होंने ये पूछा है। तो बाघ केव जो है हम ऑप्शंस देखते हैं इसमें से, खंडवा, इटारसी, धार, मंदसौर, तो सही ऑप्शंस होगा धार जिले में स्थित है बाघ केव्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है, तो जो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो, और सॉरी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, राष्ट्रीय नहीं है, राजकीय होगा। तो देखिए दूधराज, नीलकंठ, घरेलू गौरैया, राजहंस, में सही ऑप्शन हमारा एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, मतलब दूधराज जिसे बोला जाता है, ये उसका सही ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का हमारा राजकीय पक्षी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इन्होंने, मालवा के यशोधर्मन निम्न में से किस वंश से संबंधित है, औलिकारा, गुप्ता, राष्ट्रकूट, चंदेला, में सही ऑप्शन होगा औलिकारा। तो ये कुछ हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, हाल ही में चक्रव्यूह 2 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ, तो 2016 में जो चक्रव्यूह 2 नामक सैन्य अभ्यास हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ऑप्शन टिक करेंगे राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम, एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई, देखिए 2000, 2002, 2004 और 2006 में सही ऑप्शन होगा 2004, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग, तो ये आखिरी क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, फिर हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर, और इनमें से कोई नहीं, तो ये जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस है इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल इनोग्रेशन हुआ था, वो हुआ था फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रो बायोडाइवर्सिटी का इनोग्रेशन नई दिल्ली में हुआ था। इसका जनरल कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन ये रहा, द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर ऑफ, जो बाइनरी सिस्टम होता है वो किस पावर को यूज़ करता है, तो देखिए बाइनरी सिस्टम होता है वो 2 का यूज़ करता है, 2 की पावर की यूज़ करता है, ठीक है। तो याद रखिए कोई भी जो चीज़ें चलती है, जैसे 2 की पावर 10, जिसे हम 1024 बोलते हैं, 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 जो होता है बाइट जो होता है, 1024 बाइट बोलते हैं, तो इसे हम 1 KB बोलते हैं, किलो बाइट, तो जो के का मतलब होता है यहाँ पे 1024 होता है। तो इस टाइप से ये 2 की पावर में चलता है, 2 की पावर 10 मतलब किलो बाइट, 2 की पावर 20 मतलब मेगाबाइट, तो ये फॉर्मेट होता है इसका, तो 2 की पावर यूज़ करते हैं हम लोग। फिर फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा है, तो देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो हम लोग यदि ऑप्शंस में चेक करेंगे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये गलत है, मॉड्यूलेटर होता है, देखिए यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही होगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, और अगले ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों गलत हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, बीसीडी कोड है, बीसीडी कोड क्या है, तो देखिए बाइनरी कोड डेसिमल इसका फुल फॉर्म होता है, बीसीडी का बाइनरी
कोड और डी से डेसिमल, तो ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, बाइनरी कोड डेसिमल। तो देखिए ये एक बाइनरी कोड है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग, नॉन वेटेड कोड, एन अल्फा न्यूमेरिक कोड, अ बाइनरी कोड, नन ऑफ द अबव। तो BCD कोड क्या है, एक यहाँ पे बाइनरी कोड है। फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं हम लोग। फिर फोर्थ में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा सिस्टम राज्यों, देशों एवं संपूर्ण विश्व विश्व को विस्तृत या जोड़ता है, विस्तृत है मतलब फैला हुआ है। तो देखिए लैन, वैन, मैन और नन ऑफ दी हो। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा वैन। वैड मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट भी आ जाती है, स्टेट भी आ जाते हैं, नेशनल भी आ जाता है और ये इंटरनेशनल भी आ जाता है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका नाम ही है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो देखिए लैन जो होता है एक छोटा होता है, जैसे एक कॉलेज मान लीजिए कोई बड़ा कॉलेज है, तो उसमें जो वहाँ पे जो कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, जो नेटवर्क फैला होगा उसे हम लैन बोलेंगे। तो ये कॉलेज परिसर हुआ। और मान लीजिए जैसे एक शहर है, भोपाल शहर है, पूरे भोपाल में यदि एक जो इंटरनेट फैला हुआ है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो हमारा कहलाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यदि हम बड़े स्तर पे इनको जोड़ना है, हमें किसी राज्य को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, तो हम वो जो यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव आते हैं हम, रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सही ऑप्शन है। रीड एक्सेस, रैंडम एक्सेस, फिर रीड एक्सेस मेमोरी। तो सही ऑप्शन जो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ये एक्सेस है और ये एक्सेस है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, फुल सही। स्पेलिंग्स पे आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मैच करती है। फिर विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर वर्क इन। देखिए कंप्यूटर किस भाषा में वर्क करता है, तो सभी को पता है जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है। तो सही ऑप्शन बेसिक, कोबोल, मशीन, फोर्टन में मशीन लैंग्वेज पे काम करता है। और ये जीरो और वन के फॉर्म में वर्क करती है। मशीन लैंग्वेज होती है सिर्फ जीरो और वन को रीड कर सकती है, जो डेटा होता है जीरो वन के फॉर्म में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, मतलब भाग, गणना एवं तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, मॉडेम। सही ऑप्शन से ALU। और ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये इसका काम क्या होता है, जुड़ा, भाग, गणना करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब काम ALU यूनिट करती है कंप्यूटर की। फिर क्वेश्चन नंबर आठ में प्रोसेस क्या है। तो हम यदि ऑप्शन देखेंगे, आ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज कीप्ड ऑन डिस्क, एक प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क के हाई लैंग्वेज में रखा होता है, मैन मेमोरी की विशेष सूची, कंटेंट ऑफ मेमोरी, अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन, सेकेंडरी मेमोरी का कार्य। तो देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक एग्जीक्यूशन वाला काम है। एग्जीक्यूशन मतलब एक प्रोग्राम जो कार्यान्वित है, मतलब काम कर रहा है। जैसे कि सपोज हमने कोई कंप्यूटर को इनपुट दिया या हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, गूगल मैप में हम कोई चीज़ डालते हैं वो सर्च होती है, तो वो सर्च होना मतलब क्या हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसे ही हम प्रोसेस बोलते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है प्रोसेस में है, वर्क कर रहा है, वो कुछ ढूंढ रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाती है। तो अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं हम लोग, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर। देखिए किसी कंप्यूटर में यदि एक से ज़्यादा प्रोसेसर है क्या कहेंगे उसे, तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा प्रोसेसर उसे हम मल्टी प्रोसेसर कहेंगे। यूनि प्रोसेसर गलत है, मल्टी थ्रेडेड गलत है और मल्टी प्रोग्रामिंग भी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा ब्राउजर पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी। तो देखिए कंट्रोल W हम जब टैब यूज़ करते हैं, हम जब दबाएंगे, मान लीजिए गूगल क्रोम या कोई टैब खुली हुई है, तो वो डायरेक्टली बंद हो जाती है, तो ये याद रखिए। और देखिए ये MS ऑफिस वाले वर्ड या जो शॉर्टकट की है ये काफ़ी पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम में एक ना एक शॉर्टकट की ज़रूर पूछी जाती है, कई कई एग्ज़ाम में तो दो दो तीन तीन शॉर्टकट की पूछी जाती है, तो ये आप अच्छे से तैयार रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट
टाइप ऑफ डिवाइस इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? तो देखिए कीबोर्ड हमें पता है, कीबोर्ड का इस्तेमाल हम इनपुट देने के लिए करते हैं, तो एक इनपुट डिवाइस होगी, मेमोरी नहीं होगी उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आउटपुट नहीं होता। आउटपुट डिवाइस जैसे डिस्प्ले जो होता है कंप्यूटर का हमारा, वो आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि वो हमें दिखता है, आउटपुट दे रहा है हमारा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो हमारा माउस होता है या कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि वहाँ से डेटा लिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट। देखिए स्प्रेडशीट होती है, उसमें डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, व्यवस्थित होता है। तो स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो रो और कॉलम, रो कॉलम मतलब ये होते हैं लंबे लंबे इस टाइप से कॉलम बने होते हैं, और ये जो होती है रो होती है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो आड़ी वाली लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलना चाहिए, तो ये होती है रो हमारी। और यदि मैं कलर चेंज करके बताऊं, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है या लंबी लाइनें होती है, ये हमारी कॉलम कहलाता है। ये आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा इनमें। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, BMP का फुल फॉर्म क्या है? तो BMP का फुल फॉर्म जो है बिट मैप, BMP का फुल फॉर्म बिट मैप होता है। तो आप सर्च कर लीजिए चार ऑप्शंस में, तो ये सही ऑप्शन बिट मैप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग, सीडी रोम क्या है? तो एक इजे सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए सीडी रैम जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम है ये। रोम क्या होती है? रोम एक परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। तो ये परमानेंटली डेटा स्टोर होता है इसमें, रोम में। तो जो होगा इसका सही ऑप्शंस जो है, परमानेंट मेमोरी इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी नहीं होता, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं होता, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं होती, ये ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ऑप्टिकल बेसिस पे काम करती है। तो इसका सही ऑप्शन चारों में से एक भी नहीं होगा। फिर हम आते हैं, विच टोपोलॉजी यूज्ड इन इथरनेट, इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जाती है? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा बस टोपोलॉजी जो है इथरनेट में यूज़ की जाती है, बस टोपोलॉजी इथरनेट में यूज़ करते हैं हम लोग। और बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस आप देखे होंगे, बस देखे होंगे तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, तो बस टोपोलॉजी ये बस टोपोलॉजी हो जाती है। मान लीजिए कि लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, इस तरफ पीसी कनेक्टेड है, इस तरफ ऐसे कनेक्टेड है, बीच में लाइन है, तो ये बस टोपोलॉजी हो जाती है।